नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है, यानी कल बुधवार से गणेश जी की स्थापना करने वाले हैं, गणेश जी बैठने वाले हैं। तो गणेश जी का जो बिठाने का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कलश स्थापना है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, उसी पर आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा वो ऐसा समय होगा जब आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हो, या फिर अगर कलश स्थापना जो करना चाहते हैं और कलश स्थापना करते भी हैं इसमें, तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा वो मैं आपको इसे बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो जो चतुर्थी तिथि है वो आज ही स्टार्ट हो गई है, आज मतलब 30 तारीख को ही स्टार्ट हो गई है, और वो तीन शाम को यानी कि दोपहर बाद 3:33 से चतुर्थी की तिथि लग चुकी है। और ये जो तिथि है यानी कि चतुर्थी तिथि है वो दूसरे दिन मतलब कल 31 तारीख को 3:22 तक रहेगी, यानी कि आज 3:33 से स्टार्ट हुई है 30 तारीख को, और कल यानी कि चतुर्थी के दिन यानी कि बुधवार के दिन वो जो तिथि रहेगी यानी चतुर्थी तिथि रहेगी वो 3:22 तक रहेगी। ठीक है, इस बीच में चतुर्थी तिथि है, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको इस बीच में कब स्थापना करना है, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए अब मुहूर्त की बात कर लें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है या सबसे उत्तम मुहूर्त है वो है दोपहर में, क्योंकि आपको मालूम है भगवान गणेश की जो जन्म हुआ था वो दोपहर को हुआ था, इसलिए दोपहर का जो मुहूर्त होता है वो सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है। तो दोपहर का मुहूर्त कौन सा है, वो सुबह 11:05 से स्टार्ट होगा, जो कि 1:36 तक रहेगा। सुबह 11:05 से दोपहर 1:36 तक का जो समय है वो मध्यान्ह काल का समय है, और इसी बीच में आपको गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन अगर इस बीच आपको टाइम नहीं मिलता है तो मैं दूसरे कुछ मुहूर्त बता देता हूँ, उस पर भी आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हो, कलश की स्थापना कर सकते हो। दूसरा जो मुहूर्त है, जो अगर पहला मुहूर्त आप चूक जाएँ तो दूसरा जो मुहूर्त है वो 2:05 से 2:55 का जो समय रहेगा, यानी जो 50 का समय रहेगा, अगर ये समय भी आपको सूट नहीं कर रहा है, इसमें भी आपको समय नहीं मिलता है, तो मैं अगला एक मुहूर्त और बताता हूँ। ये जो मुहूर्त है वो है शाम को 6:30 तक। इस बीच में भी आप कलश की स्थापना या मूर्ति की स्थापना कर सकते हो। तो ये कुछ मुहूर्त हैं, वैसे और भी मुहूर्त हैं, लेकिन जो अच्छे मुहूर्त हैं मैंने आपको बता दिए हैं। इन मुहूर्त में अगर आप गणेश जी की स्थापना करते हो, जो घर पर गणेश जी की स्थापना करने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर वो इन समय में स्थापना करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अक्सर देखा है हम लोग सभी लोग घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं, लेकिन स्थापना करने के साथ जैसे जब हम विसर्जन करते हैं तो हमारे घर की जो रिद्धि सिद्धि है वो भी उनके साथ चली जाती है, गणेश जी के साथ चली जाती है, और हमारे घर में जो धन संपदा आनी चाहिए या रुकनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इस बार आप ऐसा करें कि जब गणेश जी की स्थापना कर रहे हों उस समय गणेश जी के दोनों साइड हल्दी की दो बिंदी बना दें, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी दो बिंदी बना दें। अगर आप बिंदी नहीं बनाना चाहते तो आप स्वास्तिक बना दीजिए दोनों साइड। गणेश जी की जहाँ मूर्ति आप रखेंगे उसके दोनों साइड दीवार पे आप क्या करेंगे कि दो स्वास्तिक बना देंगे दोनों साइड। वो जो स्वास्तिक है या जो बिंदी मैंने आपको बताई है, वो दोनों ही बिंदी या दोनों ही स्वास्तिक जो होते हैं वो रिद्धि सिद्धि का काम करते हैं, यानी कि रिद्धि सिद्धि का नाम लेके ही वो हम उनको बनाना है। और गणेश जब हम विसर्जन करेंगे तो उस समय क्या है कि गणेश जी तो चले जाएंगे लेकिन रिद्धि सिद्धि आपके घर में ही रहेगी, इससे आपका घर जो है धन धान्य से भरा रहेगा। तो ये वाला प्रयोग आप जरूर करेंगे इस बार। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। आप रही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।